और एक बार फिर से देखिए यहाँ पे खेल शुरू होता हुआ यदुवंशी सोली और धुलवा के बीच, जिसमें यदुवंशी की बढ़त है इस समय 27 पॉइंट हैं यदुवंशी सोली के, जबकि धुलवा के 17 पॉइंट। तो धुलवा को बेहतर प्रदर्शन करना होगा, तकरीबन 4 मिनट का समय और बाकी, और क्या वापसी कर पाएगा धुलवा, कठिन चुनौती यहाँ पे। और 4 मिनट का समय बाकी है जैसा कि रेफरी ने बताया, लेकिन यहाँ से बढ़त इस समय 10 अंकों की सोली के पास है। रक्षात्मक रुख यहाँ पे, क्या बोनस मिलेगा यहाँ पे समय का जाया करते हुए, नहीं। और तीन ही खिलाड़ी समय, थोड़ी सी चुनौती होगी रेडर को पकड़ने की, और बेहतरीन तरीके से जो प्रदर्शन किया अभी तक वो लाजवाब सोहली की तरफ से। और कैच कर लिया गए और बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक यहाँ पे कब्जे में ले लिया, अब की बार दीवार बन के सामने क्या है चट्टान बन गए, इसी प्रकार का प्रदर्शन दिखाने की जरूरत है जीत के लिए। और यहाँ पे देखिए समय का जाया करते हुए, अब 3 मिनट का समय शेष है। फिर से देखिए, क्योंकि बढ़त है सोली की, इसलिए ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते रेडर। तो 11 अंकों की बढ़त हो चुकी है इस समय सोली के पास 28 अंक, जबकि धुलवा के पास सिर्फ 17 पॉइंट। और यहाँ पे धुलवा 1 पॉइंट प्राप्त करता हुआ इस बार नहीं रोक पाए, दीवार बनने की जरूर कोशिश की थी सामने से, लेकिन धक्का देकर धकेल दिया, दमखम दिखाया और पहुंच गए अपने पाले में। तो 18-28 यानी कि 10 अंकों की बढ़त अभी भी कायम, करीब 2.5 मिनट का समय बाकी, और बहुत मुश्किल है इस समय। बोनस जाता हुआ इस समय सोहली को 29-18 अंकों की लीड होती हुई फिर से सूर्या वर्ल्ड स्कूल भावधड़ी की सरजमी पे, ये अंडर 19 है पुरुष वर्ग का कबड्डी जिला स्तरीय टूर्नामेंट, और जिसमें दूसरा दिन का ये एक और महत्वपूर्ण मैच है यदुवंशी सोहली और धुलवा के मध्य खेला जा रहा, जिसमें यदुवंशी जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, जबकि धुलवा संघर्ष करता हुआ इस समय, क्योंकि 11 पॉइंटों की बढ़त है इस समय सोहली के पास, और ये बढ़त निश्चित रूप से बेशकीमती जीत का काम करेगी। ऑफिशियल्स के रूप में टंकण गणना करते हुए यहाँ पे देखिएगा, और पवन जी शारीरिक शिक्षक के रूप में, और उनके साथ हैं अजीत, अच्छी भूमिका निभाई है, जो सहयोग किया हो काफ़ी सराहनीय है। उत्साह बढ़ाते हुए देखिए सोहली के प्रशंसक काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं, और धुलवा इस समय क्या टच किया है 1 पॉइंट धुलवा के दामन में, लेकिन समय ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट का समय बाकी। तो अब कहते हैं कि रातों रात कुछ नहीं होने वाला, एक रात में अथेले में सरसों नहीं उगती, इसलिए 1 मिनट में आप इतनी लीड नहीं काट सकते। समय का जाया करता हुआ इस समय सोहली, और फिर से वही रेडर, अब 40 सेकंड का समय तकरीबन शेष, और मुश्किल होगा यहाँ पे, दो खिलाड़ी हैं, मौका है जख्मा दिया, और इस तरीके से 1 पॉइंट यहाँ पे प्राप्त करते हुए, एक और पॉइंट जरूर गया है, लेकिन बढ़त अभी भी बरकरार है सोहली की 29-20 यानी कि 9 अंकों की लीड अभी भी है, और करीब 20 सेकंड का समय बाकी है। तो जीत सुनिश्चित नजर आ रही है यहाँ पे सोहली की, और लीजिए इसी के साथ सोहली यदुवंशी सोहली की जो टीम है उन्होंने शानदार तरीके से 9.2 से जीत दर्ज की है धुलवा के ऊपर, और बहुत ही बेहतरीन जीत यहाँ पे जिला स्तरीय अंडर 19 पुरुष वर्ग में। खेल भावना का परिचय देते हुए यहाँ पे टीम प्रभारी यहाँ पे बधाई देते हुए टीम को प्रकार से, ये मैच यदुवंशी सोहली की टीम ने धुलवा के ऊपर 9 अंकों से जीत दर्ज की है, और अगले राउंड में प्रवेश किया है। बहुत ही शानदार जीत
काफी खुश इस समय टीम दिखाई दे रही है। एक बार फिर मैं गजानन दोबड़ा, सूर्या वर्ल्ड स्कूल, भावधड़ी।